इन इवेंट में एक्चुअल उपस्थिति जितनी होती है उससे 3 गुना लोगों के खाने की व्यवस्था का पेमेंट हो रहा है। रिपोर्ट है 40,000 लोग आए, पेमेंट हुआ 1.25 लाख लोगों का। ये 1.25 लाख भूत कौन है जिनको भोजन करा दिया इस प्रशासन ने? इसमें सारा हिस्सा बना हुआ है। टेंट जो लगता है वो भी इनके चुने हुए ठेकेदार लगाते हैं। बसों का किराया भी कहाँ से आता है ये भी पूछ लीजिए। ये सारा पैसा के राज्य सरकार के बजट से खर्च करते हैं अलग अलग हेड से, और जिसके लिए पैसा आवंटित है उस पर खर्च नहीं होते। पूरा ट्राइबल स्लैब प्लान और स्पेशल कंपोनेंट प्लान का जो अनुसूचित जाति जनजाति के हित के लिए लगाया जाता है वो उस पर उसका उपयोग नहीं हो रहा है। लाडली बहन योजना का जहाँ तक सवाल है, मैंने जैसा कहा कि इनको 20 साल बाद याद आई, हम लोग गैस की टंकी भी 500 रुपये में देंगे। एक हमारी महिला नेता ने बात बिल्कुल सही कही कि आज 1170 रुपये की कीमत है टंकी की। तो शिवराज सिंह जी, आप ये फॉर्म वार्म भरवाने के बजाय एक काम करो कि हम पूरे जो आप खर्च कर रहे हो वो सब्सिडी जो है आप गैस का जो हमें सप्लाई करता है उसको दे दो। हमको तो 170 रुपये में टंकी दे दिया करो। ये फॉर्म वार्म भरवाना बंद करो, इसमें ऑनलाइन भरो। बहुत बढ़िया, कनेक्ट नहीं हो रहा है, ओटीपी आ नहीं रहा है। एक एक फॉर्म भरवाने में 1,000, 1,500, 2,000 रुपये देसी खर्च हो रहे हैं, और इस पर भी उनको पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। किसान सम्मान योजना में 6,000 रुपये खाते में डाले गए, अब अपात्र लोगों को मिल गए उनसे वसूली की जा रही है। संबल योजना में पैसे दे दिए उनसे फिर वसूली की गई। बात यही है, इस झूठों के सरताज नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों के खिलाफ जनता में माहौल है। जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, जमीनें उनकी छीनी जा रही हैं, बड़े बड़े लोग आगे आ रहे हैं। और अंत में जैसे हमारे कई मित्र कहते हैं कि भाजपा भी अब 3 गुट में बट गई है, एक शिवराज भाजपा, शिवराज भाजपा, दूसरी है महाराज भाजपा, और तीसरी है नाराज भाजपा। तीसरी नाराज भाजपा में कौन लोग हैं? जो शिवराज भाजपा है वो तो 2003 से कमा रही है, लूट रही है। महाराज भाजपा को लूटने का समय मिला ये 3 साल का, इसमें लूट मचाई हुई है। अब नाराज भाजपा के लोग कह रहे हैं कि तुम ही क्यों लूट रहे, हमें क्यों नहीं दे रहे, ये नाराज भाजपा है वो। लेकिन उसके अंदर कुछ ईमानदार लोग भी हैं जिन्होंने चना खाकर और साइकिल पर चढ़ के जनसंघ के जमाने से स्थापित किया, वो घर बैठे हुए हैं। अब कैलाश जोशी जी के सुपुत्र दीपक जोशी, कैलाश जोशी जैसा ईमानदार व्यक्ति हमने राजनीति में नहीं देखा। साइकिल पर चलते थे और कोई गांव का, बस से चलते थे, कोई गांव की शादी ब्याह गमी छोड़ नहीं सकते थे, कथा। और दीपक जोशी जो कि एबीवीपी के प्रांतीय अध्यक्ष थे जब शिवराज सिंह चौहान उनका कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जब इनकी पत्नी बीमार हुई दीपक की, एम्बुलेंस तक उन्होंने नहीं भेजी, जबकि शिवराज सिंह चौहान ये भूल जाते हैं कि हमारी सरकार में जब उनका एक्सीडेंट हुआ था पूरा खर्चा हम लोगों ने व्यवस्था की थी। तो ये इसी के साथ साथ कैलाश जोशी जी का की मूर्ति उनके गांव में लगाने के लिए
इन्होंने घोषणा कर आए, लेकिन लेकिन जमीन दी ना मूर्ति बनवाई। कमलनाथ जी से जाके मिले, 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर जमीन भी दिलवाई और मूर्ति के लिए पैसा भी दिलवाया। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, दीपक जोशी खुद कह रहे हैं, वो आपके बीच में भी आएंगे। इसी के साथ साथ अनेक ऐसे प्रकरण हैं। अभी आप देखा होगा भंवर सिंह शेखावत ने राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के खिलाफ क्या नहीं कहा, सट्टा जुआ रेता खदान वसूली चल रही है। तो ये 3 कैटेगरी के हैं। शिवराज भाजपा के श्री भूपेंद्र सिंह, श्री नरोत्तम मिश्रा, महाराज भाजपा के तो सभी हैं, और नाराज भाजपा तो आप जानते हो, रीवा में भी है। साथियों ये सब बातें हैं, और आज हमें और निखरा जी आए हैं, सिरमौर और देवतालाब जाएंगे, हमारे मंडल सेक्टर और बीएलएस की हम लोग मीटिंग ले रहे हैं। मैं बधाई देता हूं यहां के जिला कांग्रेस को और हमारे प्रभारी जी प्रताप भानु जी को, बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने पूरी व्यवस्था की है, और सब जगह पूरा हमारा अटेंशन अब पोलिंग बूथ मैनेजमेंट पर है, क्योंकि उसमें हम पिछड़ जाते थे, फर्जी ये वोटर लिस्ट बना लेते थे, और उस पर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं कि एक पोलिंग बूथ पर 100-150 के फर्जी मतदाता हमें मिल रहे हैं, उनके सब नाम कटवा रहे हैं। तो हम लोग जहां जीतना चाहिए 10,000 से जीत पाते थे 2-3,000 से, और 5,000 के नीचे की जो हमारी जीत थी उस पर चली जाती थी। इस बार कमलनाथ जी ने पूरे तरीके से पोलिंग बूथ सेक्टर मंडल में बांट दिया, पूरा चुनाव कैंपेन हमारा हवाई नहीं होगा, जमीनी होगा, सेक्टर मंडल बूथ लेवल पर हमारा सारा काम होगा। इसीलिए हम और निखरा जी यहाँ आए हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, एक एक करके जी। बजरंग बली को लेकर क्या कहेंगे, बजरंग बली का नाम इस समय सभाओं में भी गूंज रहा है। बजरंग बली का नाम कब से नहीं गूंज रहा है आप बताइए, बजरंग बली क्या आज के आए हैं, कब से नहीं गूंज रहा है। मैं खुद पाठ करता हूँ हनुमान चालीसा, मैं खुद करता हूँ रोज 5। इनके पास और कुछ है क्या, महंगाई बढ़ गई, नौकरी मिल नहीं रही, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, उनको तो मौका बचे हिंदू मुसलमान करने के। अरे बजरंग पूनिया जिसने देश के लिए मेडल जीता, पहलवान बजरंग पूनिया धरने पर, और इनको वो बजरंग दल जिस बजरंग दल के अंदर ISI पाकिस्तान को जासूसी करने वाला सतना का आपका बलराम सिंह, उस पर चुपे क्यों है, उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों नहीं लगाया गया, जमानत उसकी कैसे हो गई, ये मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से और शिवराज सिंह चौहान से, उनके खिलाफ आपने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्यों नहीं लागू किया, ये हमारी मांग रही है। उनकी जमानत हो गई तो आपने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अपील क्यों नहीं की, क्या बात करेंगे ये। मध्य प्रदेश में पहले भी कांग्रेस की हालत ठीक ठाक रहती थी, अभी भी ठीक ठाक है, लेकिन क्या संगठन आपका ठीक हो गया है मध्य प्रदेश के अंदर, उसी में लगे महाराज। सर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू अभी हुआ है, डेटा सिक्योरिटी का, पिछले दिनों कांग्रेस ने इसको रेज किया था, यहाँ पे लाठी पहना योजना के जो फॉर्म भराए गए, महिलाओं के नंबर ग्राम पंचायतों में चस्पा किए गए हैं बाहर, एक बड़ा खतरा ये हो सकता है साइबर क्राइम का, आप लोग जो फॉर्म भरा रहे हैं उसमें भी मोबाइल नंबर का प्रावधान है, कैसे डेटा सिक्योर हो पाएगा, क्या उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे या फिर ऑप्शनल रखेंगे। बात यह है, मैं खुद इस मामले में शुरू से कहता आया हूँ, कांग्रेस पार्टी कहती आई है, आधार कार्ड हर चीज के लिए तो आधार कार्ड मांगा जा रहा है, क्या आधार कार्ड में सारी जानकारी उपलब्ध नहीं रहती है। तो ये भाजपा जो है और विशेषकर मोदी
और अमित शाह ये पूरे देश का डाटा चोरी कर रहे हैं, एक, और दूसरा पेगासस के माध्यम से जितने विरोधी हैं उनके फोन टैप करते हैं, हमारा भी फोन टैप होता है, तो जो बात उनको सुनानी होती है उनको मैं बोल देता हूं फोन पे, बात करते करते आप में से किसी को पहुंच जाती है। वे आपको अभी जनता में भ्रम की स्थिति बनी हुई, बड़ा भ्रामक सा बना है कि आपको बहुमत दिया 2018 में, जी जी और हाँ 18 में और अब इस बार भी लोगों के मन में है कि हम तो इनको सत्ता दे देंगे, लेकिन ये ऑपरेशन लोटस में, अरे ऐसी ऐसी सत्ता दो 150 पार करा दो तो खरीद ही ना पाए लोग। बात सुनिए ली, सुनिए बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जो भी संगठन दूसरे धर्मों के प्रति नफरत फैलाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारा स्टैंड है। सरकारी सम्मान योजना में जो 500 रुपए दिए जा रहे हैं सिलेंडर में, 1500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को, लेकिन महिलाओं के मन में एक और टेंशन है कि वह देंगे तो पैसा में, लेकिन हमारा ही पैसा टैक्स के रूप में हमसे वसूलेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के ऊपर ऑलरेडी कर्जा चढ़ा हुआ, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? एक बड़ा सवाल है। ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए था भाजपा के मुख्यमंत्री जी से, प्रेस कॉन्फ्रेंसी नहीं करते भाजपा की, हमारी सरकार आएगी तो हम बताएंगे कैसे करेंगे। जी अफीम के ऊपर जो हमला हुआ जिससे उसकी मौत हुई है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? दो बातें हैं, अतीक अहमद वहां का माफिया डॉन था और उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उसका उसके बेटे ने खुलेआम उमेश पाल का मर्डर किया, मर्डर करने पे एनकाउंटर हुआ तो वे सही एनकाउंटर हुआ, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो बंदी बनाया हुआ है पुलिस कस्टडी में है उस पर 2-3 प्रश्न उठते हैं, क्या जरूरत थी कि 10 बजे जाकर जांच कराई जाए रात को, एक दूसरी यह है कि उसका जब अस्पताल में पोर्च तक जाने की व्यवस्था है तो बाहर क्यों गाड़ी रोकी, तीसरा अहमदाबाद से लाने तक सारी मीडिया और पुलिस ने अतीक साहब कहाँ वो अतीक अहमद कहाँ वो पेशाब कर रहा है वहाँ तक आप दिखा रहे हैं, और तब जब मौका आया तो दन 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 गोली में मार दी गई, तो ये और वो शुरू से कह रहा है सुप्रीम कोर्ट को कहा कि मेरी हत्या कर देगी पुलिस यहाँ की यूपी की पुलिस। ये साफ कहना मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, इसके पीछे कौन लोग थे जिन्होंने हत्या कराई, ये आपसे कहना पूछना चाह रहा हूं, तो ये जांच का विषय है ना, ये तो अरे हिंट तो आप बताइए ना आप बता दीजिए हिंट, मैं हाँ ना बोल दूंगा। सर करप्शन की बात हुई, जैसे रीवा में भी जो बात होती है, यहाँ सबसे बड़ा मैटर कांग्रेस ने रेज किया कि जमीनें जो दी गई आपके टाइम पे भी रीडेंसिफिकेशन में काम हुआ, लेकिन उसके बाद अभी जो पिछले 10 सालों में काम हुआ उस पर 18 में भी एक बहुत बड़ा मैटर रेज हुआ था कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पूरा चुनाव लड़ा गया नहीं हुआ, इस बार अगर सरकार बनती है तो क्या इस मैटर पे इन्वेस्टिगेशन होगा? रीवा शहर का एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए बात यह है, मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है बड़े बड़े घोटाले हुए, डंपर कांड, व्यापम कांड, फूड सिक्योरिटी कांड, अनेक कांड हुए हैं, उसमें यह कांड भी है, सारे कांडों की जांच की जाएगी, और सबसे बड़ा कांड ISI को जासूसी करते हुए वो कांड, सारे केसेस जो समाप्त किए गए हैं उनको सबको खोला जाएगा, उनकी जांच करवाई जाएगी। जी आपका कोविड संक्रमण कितना भाजपा में कारगर? बात यह है, कोविड का जहां तक सवाल है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले कमलनाथ जी ने कोविड को रोकने की जो तैयारी थी वो चालू कर दी थी, राहुल गांधी जी ने पहले नेता थे जिन्होंने फरवरी में कह दिया था कि कोविड आ रहा है, कोरोना आ रहा है, जरा आप सचेत रहिए, लेकिन 20 मार्च को लगा आपका लॉकडाउन, 13 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री मोदी जी के
डॉक्टर हर्षवर्धन बयान देते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं, सारी व्यवस्था हो गई है, लेकिन न ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, न रामदेव से इंजेक्शन की व्यवस्था थी, न पीपीई किट की व्यवस्था थी, एक्सपोर्ट किया जा रहा था। इसलिए जो भी लोग मरे हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है और उनको 4-4 लाख देने का नेशनल डिजास्टर एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है। जब आपने नेशनल डिजास्टर एक्ट के अंतर्गत इसको नेशनल डिजास्टर माना है तो प्रभावित परिवारों का जिनके परिवार में मौत हुई है उनको 4-4 लाख देने का प्रावधान है, बाध्यता है। अनाउंस किया सुबह और शाम को अनाउंसमेंट वापस ले लिया, बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से केवल 50,000 रुपये देने का हुआ और उस 50,000 में भी पूरा नहीं हुआ। सर एक सवाल है, चलिए आखिरी सवाल। हाँ, जो कांग्रेस में नहीं है फिर भी टिकट पाने का दावा कर रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? बात यह है जो कांग्रेस का सदस्य टिकट मिलने पे नहीं है उसको कैसे मिलेगा? दावे तो करने का अधिकार सबको है। दीपक जोशी अपना चित्र ले आए थे पिताजी का, तो उसको आप कार्यालय में लगाएंगे कमलनाथ जी घर जहाँ हमारे वो उनका उनका चित्र हमारे दिल में है, दिल में लगाएंगे।